अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इस क्लासेस में एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मूला बताता हूँ और आप उससे एक दिन में ही हज़ारों सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बहुत सारे सेंटेंसेज हिंदी टू इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस भी करवाता हूँ और अंत में हर वीडियो के अंत में, हर क्लास के अंत में बहुत सारे सेंटेंसेज मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी देता हूं और उसका आंसर नेक्स्ट क्लास में बताता भी हूं। ओके फ्रेंड्स, सो इससे बेहतर क्लास आपके लिए कोई और नहीं हो सकता। आप किसी भी क्लास में भी जाएंगे तो यही कराएगा और कितने सारे क्लासेज में तो ऐसा भी नहीं कराते। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज से शुरू कर दीजिए हमारे वीडियोज़ को देखना और रेगुलर देखिए। अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेज प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और उसमें ऊपर से एक एक करके लगातार आप देखते जाइए। ओके फ्रेंड्स, मैं वादा करता हूँ कि आप 2 महीने के अंदर आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, अगर आप सही तरीके से इंटरेस्ट के साथ अगर आप वीडियो देखेंगे तो। सो सबसे पहले देखते हैं पिछले क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के इंग्लिश अनुवाद। ये रहे, इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से मैच कर लो अपने बनाए हुए सेंटेंसेस से, अगर कहीं पर गलती है तो उसको आप सुधार लो। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट? फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है आज जो हम सीखेंगे और उसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने सीखा, पास्ट परफेक्ट टेंस भी आपने सीखा, अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी काम का पूर्णतः पूरा हो जाना, मीन्स पूरी तरह से जो काम अगर कुछ पूरा हो जाता है तो उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। बोलते हैं परफेक्ट मीन्स पूरा हो गया। ओके, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आज या पहले की बात, पूरा हो जाने की बात नहीं करेंगे हम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आने वाले कल, यानी कि आज से बाद में, यानी कि आज के बाद में कोई भी काम पूरा हो जाने की बात हम करते हैं, फ्यूचर में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे वे लोग सोमवार तक मुंबई पहुंच चुके होंगे, हम आने वाले सोमवार की बात कर रहे हैं कि वे लोग सोमवार तक मुंबई पहुंच चुके होंगे। ओके फ्रेंड्स, फ्यूचर की बात कही जा रही है। अभी मैंने बेसिक में आपको ऐसा सेंटेंस बताया था कि वे लोग मुंबई पहुंच चुके होंगे, ये अगर हम संभावना में बोले तो कैसे बोलेंगे? संभावना में जब हम बोलते हैं तो मे लगाकर बोलते हैं, मे माइट लगाकर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बट ये फ्यूचर में हम फ्यूचर की बात, फ्यूचर में पूरे हो जाने की बात कर रहे हैं, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है और उसको हम फ्यूचर, और हम उसको फ्यूचर परफेक्ट के रूल्स के हिसाब से बनाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस के बनाने के स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव, उसके बाद V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा इसमें, उसके बाद बाई टिल और ऑब्जेक्ट। बाई और टिल हम अभी सेंटेंस बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि बाई और टिल क्या है और क्यों लगाते हैं। जैसे वे लोग सोमवार तक मुंबई पहुंच चुके होंगे, मीन्स वे लोग सोमवार तक मुंबई पहुंच चुके होंगे, आने वाले सोमवार की बात कर रहे हैं, तो दे विल हैव, फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट हुआ दे, फिर विल लगेगा इसके साथ, दे के साथ, दे विल हैव, फिर V3 पहुंचने का रीच होता है तो रिस्ट, दे विल हैव रिस्ट मुंबई सोमवार तक, मतलब या तो बाई मंडे बोल सकते हैं हम या टिल मंडे बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हो जाएगा दे विल हैव रिस्ट मुंबई बाई या टिल मंडे, दोनों में से आपको एक ही लगाना है, बाई या टिल। मेरा भाई अगले महीने तक परीक्षा दे चुका होगा, माई ब्रदर विल हैव टेकन एग्जाम बाई नेक्स्ट मंथ या टिल नेक्स्ट मंथ। ओके फ्रेंड्स, मेरे पिताजी अगले शनिवार तक नहीं आ चुकेंगे,
नहीं आ चुकेंगे, मतलब हम आमतौर पर हिंदी भाषा बोलते वक्त ऐसी इस तरह के सेंटेंसेस का इस तरह से हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि मेरे पिताजी अगले शनिवार तक नहीं आए होंगे, ऐसा हम बोलते हैं हिंदी में। जैसे मुंबई पहुंच चुके होंगे, ऐसा नहीं बोलते, ज़्यादातर बोलते पहुंच गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पे चुके होंगे या गए होंगे भी बोल सकते हैं, परीक्षा दे चुकेगा या परीक्षा दे दिया होगा भी बोल सकते हैं, अगले शनिवार तक नहीं आ चुके होंगे या नहीं आए होंगे या चुके होंगे होगा। तो माई फादर विल नॉट हैव कम टिल नेक्स्ट सैटरडे या बाय नेक्स्ट सैटरडे भी बोल सकते हैं। क्या वे लोग कल शाम तक मैच जीत चुके होंगे? विल दे क्या है, इसलिए विल पहले लगाएंगे। विल दे हैव ओन द मैच बाय टुमारो इवनिंग या टिल टुमारो इवनिंग भी बोल सकते हैं। राजू दोपहर तक कहाँ पहुँच गया होगा या कहाँ पहुँच चुका होगा? Where will Raju have reached by afternoon या till afternoon? Okay friends, तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। Okay friends, तो अभी हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस। राहुल कल दोपहर तक अपने गांव पहुंच चुका होगा या पहुंच चुकेगा। राजू विल हैव रिच्ड हिज विलेज बाय टुमारो आफ्टरनून। कल शाम तक मेरे पिताजी वापस आ चुके होंगे। माय फादर विल हैव कम बैक बाय टुमारो इवनिंग। वे लोग कल दोपहर तक मैच हार चुके होंगे। दे विल हैव लॉस्ट द मैच बाई टुमारो आफ्टरनून या बाई अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो टिल टुमारो आफ्टरनून। मैं दो दिन के बाद उस कुत्ते को मार चुका हूँगा। आई शैल हैव किल्ड दैट डॉग आफ्टर टू डेज। यहाँ पर बाई या टिल नहीं लगेगा क्योंकि दो दिनों के बाद कह रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बाई या टिल तभी लगेगा जब हम तक बोलेंगे। परसों तक मेरे भाई विदेश से वापस आ चुके होंगे। माई ब्रदर विल हैव कम बैक फ्रॉम अब्रॉड बाई द डे आफ्टर टुमारो। परसों, आने वाले परसों के लिए हम द डे आफ्टर टुमारो का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तुम कल दोपहर तक क्या कर चुके होगे? व्हाट विल यू हैव डन बाय टुमारो आफ्टरनून। मैं इस महीने के अंत तक इस कहानी को पूरा कर चुका होऊंगा। आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तुम अगले साल तक पांचवी पास कर चुके होगे। यू विल हैव पास्ड फिफ्थ क्लास बाय नेक्स्ट ईयर या टिल नेक्स्ट ईयर। अगले सोमवार तक वे लोग मुझसे मिल चुके होंगे। दे विल हैव मेट मी बाय नेक्स्ट मंडे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आज के लिए प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से समझ कर बनाया कीजिए और नेक्स्ट क्लास में जो मैं इसका आंसर देता हूँ उससे मैच भी किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। और अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे मुफ्त में इंग्लिश सीखते रहें। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।
अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। सारे वीडियो आ जाएंगे, यहाँ पर 7 वीडियो हैं। इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।